नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं इस वक्त डायरेक्टर NIEPVD यानी कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के निदेशक महोदय के पास। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? पहले तो मैं अच्छा हूं। सर, आज जो इतनी चहल पहल संस्थान में देखने को मिल रही है, दो दिनों का ये कौन सा मेला है? सर, शिक्षा ही सबसे बड़ी मेला है और शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, खास करके दृष्टि दिव्यांगों को या बाकी के दिव्यांग बच्चों को जो कि उपेक्षित वर्ग है, जो कि कमजोर वर्ग है, उसके तरफ अग्रसर हो रहा है संस्थान और इस चीज को एक वैज्ञानिक तरीके से आगे ले जाने के लिए हम दो दिन का राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें कई प्रोफेसर्स आए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आए हैं, रुड़की से आए हैं, एक्स चेयरपर्सन RCI हैं। बिल्कुल सर, AICB के लोग हैं जो कि अपनी अपनी दृष्टिकोण को रखेंगे और इससे हमें ये मिले जो हासिल है इस कॉन्फ्रेंस का, वो है कि एक रोड मैप, एक रोड मैप जिसपे की चलकर हम समग्र शिक्षा की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। बिल्कुल सर। सर, अभी जब मैं नीचे से आ रहा था तो मैंने देखा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बड़ी भीड़ है और लगभग जहां तक मुझे पता चला है कि 200 पार्टिसिपेंट्स हैं और रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था इसलिए। तो जिस तरह से NIEPVD अपने आप में एक प्रोग्रेस कर रही है और जिस तरह से आगे बढ़ रही है, शायद नाम ही आजकल काफ़ी है, तो उसी तरह से रजिस्ट्रेशन, मैंने कई लोगों से बात भी करी तो उसके बाद में आप एक तरफ वो हैं जो इस शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें आने वाले हैं, यानी कि नवोदित जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, दूसरी तरफ ऐसे नाम हैं, ऐसे दिग्गज नाम हैं जिनको आज उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो ये जो एक समन्वय होगा, इसको NIEPVD एक सूत्रधार बनाए, तो आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सर इन दो दिनों के कॉन्फ्रेंस से? देखिए, हमारी अपेक्षा, हमारा काम क्या है, हमारा काम एक फैसिलिटेटर का है, एक ऐसे व्यक्ति का है जो कि एक मंच दे, एक सभा दे, एक आकार दे जहाँ की कोई एक बड़ी घटना घट सके जिससे कि दिव्यांगजनों की सशक्तिकरण की तरफ एक कदम हम आगे बढ़ सकें। तो यहाँ जितने भी दिग्गज हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, उन्हें बुलाया गया है, वो अपना दृष्टिकोण रखेंगे और लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स देश भर से आए हुए हैं जो कि उन्हें सुनेंगे और एक पर्सपेक्टिव या एक दृष्टिकोण तैयार करेंगे। जी, तो हमारी जो पुरानी पीढ़ी है जिसके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिसके पास सामर्थ्य है, वो नई पीढ़ी को एक सांचे में ढालेगी एक कुम्हार की तरह। बिल्कुल सर, जहां एक तरफ अनुभव को और अनुभव का जो हाथ थामने का मौका आज यहां पर जो नई पीढ़ी है उनको मिलेगा और ये काम NIEPVD ने किया है। सर, जहां तक मैंने आपको सुना है, कई बार सुना है, आप अपने आप में एक बहुत प्रखर वक्ता हैं, हर विषय को टच करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आज जब मैं बात कर रहा था, कई लोग आपको भी सुनना चाहेंगे, आपको भी सुनना पसंद करते हैं और आपको भी सुनना चाहेंगे, तो आप भी क्या इसमें वक्ता के रूप में हैं? बिल्कुल, स्वागत भाषण तो मैं दूंगा निदेशक के तौर पर और देखते हैं, अगर मुझे चेयरपर्सन के तौर पर रखा गया है, अगर मैं मौका मिला तो जरूर साझा करूंगा अपने आइडियाज, अपनी सोच जरूर साझा करूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन दो दिनों के कॉन्फ्रेंस के लिए और आशा करते हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर आपने कॉन्फ्रेंस रखी है वो एक वो सभी को मिलेगा, सभी को प्राप्त होगा। तो मैं था इस वक्त NIEPVD के निदेशक महोदय श्री नचिकेता राउत सर के साथ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।